गाइस वेलकम बैक टू लर्न टू कम्पीट माय नेम इज हरदेव सिंह ठाकुर और आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज चली हुई है हमारी और मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्रीगेट डिमांड इसी के बारे में हम बात करेंगे तो शुरू करते हैं देखिए सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन की अगर हम बात करें एग्रीगेट डिमांड क्या होती है जितनी भी इकोनॉमी में फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज होती है उनकी टोटल डिमांड या फिर डिजायर ऑफ डिमांड को हम क्या कहते हैं एग्रीगेट डिमांड कहते हैं इसके अलावा एग्रीगेट डिमांड का क्या कह सकते हैं टोटल अमाउंट ऑफ मनी एक्सचेंज फॉर दोज गुड्स एंड सर्विसेज एट स्पेसिफिक प्राइस लेवल एंड पॉइंट इन टाइम यानी किसी पॉइंट इन टाइम में किसी स्पेसिफिक प्राइस लेवल पे गुड्स एंड सर्विसेज जो है उनकी परचेजिंग में जो पैसा खर्च हुआ है उसे हम क्या कह सकते हैं एग्रीगेट डिमांड कह सकते हैं यानी कि बेसिकली कहा जाए तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को हम एग्रीगेट डिमांड कह सकते हैं क्योंकि हम जो भी डिमांड कर रहे हैं यानी कि हम उसपे पैसा खर्च कर रहे हैं यानी कि उसपे हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो इसीलिए हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को एग्रीगेट डिमांड कह सकते हैं इसके अलावा एग्रीगेट डिमांड ओवर द लॉन्ग टर्म इक्वल्स ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि लॉन्ग टर्म में जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो जीडीपी के इक्वल होती है क्यों क्योंकि दोनों चीजों को हम कैलकुलेट सेम तरीके से करते हैं एग्रीगेट डिमांड क्या है इकोनॉमी में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रही हैं उनकी वैल्यू यानी कि उन पे जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उन्हें हम एग्रीगेट डिमांड कहेंगे इसी तरह इकोनॉमी में जितनी गुड्स एंड सर्विसेज बन रही हैं उनकी वैल्यू को हम जीडीपी भी कहते हैं अब यहाँ पे हमने लॉन्ग टर्म की बात क्यों करी लॉन्ग टर्म की बात इसलिए करी क्योंकि शॉर्ट टर्म में क्या होता है एग्रीगेट डिमांड मेजर टोटल आउटपुट फॉर ए सिंगल नॉमिनल प्राइस लेवल यानी कि हम उसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करते शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग रन में हम इन्फ्लेशन को यानी कि जो प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है उसको एडजस्ट करके बोलते हैं कि एग्रीगेट डिमांड जीडीपी के इक्वल होती है यानी कि बेसिकली कहा जाए तो एग्रीगेट डिमांड रियल जीडीपी के इक्वल होती है ओके okay? हमें पता है रियल जीडीपी क्या होती है नॉमिनल जीडीपी को जब हम इन्फ्लेशन से एडजस्ट करते हैं तब हम रियल जीडीपी निकालते हैं ओके okay, अब एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं देखिए एग्रीगेट डिमांड जो है मैंने आपको बताया एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के इक्वल होती है और एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को ही हम जीडीपी के इक्वल भी मानते हैं तो जीडीपी क्या होता है जो भी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं है ना तो अब या तो वो कंजम्पन पे खर्च होंगी प्राइवेट हाउस होल्ड द्वारा या फिर वो इन्वेस्टमेंट में खर्च होंगी प्राइवेट कंपनीज़ द्वारा प्राइवेट इन्वेस्टर्स द्वारा या फिर उन्हें गवर्नमेंट यूज़ करेगी यानी कि गवर्नमेंट परचेज करेगी या फिर हम उसे एक्सपोर्ट कर देंगे अब हम सारी की सारी चीज़ें तो हम एक्सपोर्ट करेंगे नहीं कुछ चीज़ें हम बाहर से मंगाएंगे भी ठीक है तो जो एक्सपोर्ट में से यानी कि जो हमने इकॉमी में बनी चीज़ को बाहर भेजा माइनस में जो हमने बाहर से चीज़ें मंगाई उसे हम कहते हैं नेट एक्सपोर्ट नेट एक्सपोर्ट इसे हम कैसे लिख सकते हैं एक्सएन से भी लिख सकते हैं तो अगर एक्स माइनस एम की जगह आपको XN मिले तो भी से समझ जाएगा कि ये नेट एक्सपोर्ट की बात हो रही है तो एग्रीगेट डिमांड के चार कंपोनेंट हैं कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट अब अगर हम एग्रीगेट डिमांड कर्व की बात करें तो एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या होती है डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है यहाँ पे हमने वाई एक्सिस पे लिया है प्राइस और एक्स एक्सिस पे लिया है रियल जी डी पी या फिर कह लीजिए एग्रीगेट आउटपुट अब जब प्राइस है हमारा पी वन तो हमारी रियल जीडीपी है वाई वन यानी कि एग्रीगेट आउटपुट है वाई वन वहीं पे अगर प्राइस हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा यानी कि पी वन से अगर प्राइस पी टू पे आ गया तो हमारी जीडीपी क्या हो गई इंक्रीज हो गई यानी कि मार्केट में जैसे ही प्राइस कम हुआ हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या हो गई इंक्रीज हो गई अब आप कहेंगे सर सेम कंसेप्ट हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है जहां पे हम किस बात करते हैं डिमांड कर्व की बात करते हैं वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है तो दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए पहला डिफरेंस ये है कि वो माइक्रो टर्म में हम बात करते हैं यहाँ हम मैक्रो टर्म में बात कर रहे हैं दूसरा डिफरेंस यहाँ ये है कि यहाँ पे हम इकोनॉमी की टोटल डिमांड की बात कर रहे हैं वहां पे क्या होता है वहां पे अगर प्राइस इंक्रीज हुआ किसी चीज का तो हमारा कंज्यूमर क्या करता है उस चीज का परचेजिंग कम कर देता है और उसकी जगह उसके सब्सटीट्यूट को खरीदना शुरू कर देता है यानी कि उस चीज की डिमांड कम हो जाती है प्राइस के इंक्रीज होने से लेकिन उसके सब्सटीट्यूट की डिमांड बढ़ जाती है तो वहां पे सब्सिट्यूशन इफेक्ट भी वर्क करता है यहाँ पे क्या है यहाँ पे टोटल ओवरऑल इकॉनमी की बात हो रही है कि इकोनमी में अगर प्राइस लेवल ज्यादा है यानी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है तो जीडीपी कम होगी वहीं पे इकॉनमी में अगर प्राइस लेवल कम है तो रियल जीडीपी ज्यादा होगी ठीक है या आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोनों डिफरेंस अब हम रियल जीडीपी की बात ही क्यों करते हैं देखिए मान ली इकॉनमी में एग्रीगेट प्राइस जो है तो टोटल हमने एग्रीगेट निकाल लिया एग्रीगेट प्राइस लेवल चल रहा है इस टाइम दो रुपए और इकॉनॉमी में टोटल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है यानी कि इकॉनमी जीडीपी में हम टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विस बना रहे हैं फाइव यूनिट ये हमने हाइपोथेटिकल नंबर माना है यानी कि पांच चीजें बन रही हैं और दो रुपए एवरेज प्राइस है तो इकॉनमी की जीडीपी हो जाएगी हमारी दस रुपये दस रुपये हमारी जीडीपी है ठीक है ये हमारी नॉमिनल जीडीपी है आई होप आप लोगों को नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का मतलब पता होगा ये हमारी जीडीपी आ गई दस रुपये वहीं पे प्राइस दो रुपये से इंक्रीज होके हो गया पाँच रुपये पाँच रुपये इकोनॉमी में एग्रीगेट प्राइस चल रहा है और हमारी जो हमने टोटल यूनिट बनाई इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन करी टोटल गुड्स एंड सर्विसेज वो हमने करी सिर्फ तीन यूनिट ठीक है तो बेसिकली देखा जाए तो इकॉनमी में जीडीपी क्या हो गई है डिक्रीज हो गई है इकोनमी इकॉनमी में जो गुड्स एंड सर्विसेज बनी है वो कम हो गई हैं लेकिन अगर आप इनकी टोटल वैल्यू देखें तो फाइव को अगर हम थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे पंद्रह रुपये तो ये बता रहा है कि इकॉनमी में जीडीपी इंक्रीज हो गई जबकि इकोनमी में जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज बनी है वो तो कम हो गई है यहाँ पे जीडीपी की वैल्यू थी दस रुपये यहाँ पे जीडीपी की वैल्यू है पंद्रह रुपये ये जीडीपी की वैल्यू ज्यादा क्यों आ रही है ये आ रही है प्राइस की वजह से क्योंकि सिर्फ हमारा प्राइस बढ़ा है जबकि रियल टर्म में देखा जाए तो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज तो कम हुई है इसीलिए हम यहाँ पर रियल जीडीपी की बात करते हैं रियल जीडीपी क्या होता है नॉमिनल जी डी में जी डिफ्लेटर डिफ्लेटर क्या क्या बताता है हमें इन्फ्लेशन बताता है तो जब हम नॉमिनल जी को इन्फ्लेशन से एडजस्ट करते हैं तब हम रियल जीडीपी निकालते हैं यही मैंने आपको बताया था लॉन्ग टर्म में क्या होता है जीडीपी इक्वल होती है एग्रीगेट डिमांड की क्योंकि लॉन्ग टर्म में उसे हम इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करके चेक करते हैं ठीक है तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अब आप लोगों को पता लग गया कि इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड जो होती है हमारी वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है अब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होती क्यों है इसके तीन रीजन है पहला रीजन है रियल बैलेंस इफेक्ट दूसरा रीजन है वेल्थ इफेक्ट और तीसरा रीजन है फॉरेन ट्रेड इफेक्ट अब ये तीनों इफेक्ट क्या होते हैं अगर हम रियल बैलेंस इफेक्ट की बात करें तो रियल बैलेंस इफेक्ट हमें क्या बताता है देखिए मान लीजिए आपके अकाउंट में पड़े हैं पांच सौ रुपए पांच सौ रुपये आपकी वेल्थ है आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं आप अपने आप को बहुत अमीर महसूस कर रहे हैं मान लीजिए ये बहुत ज्यादा अमाउंट है ठीक है पांच सौ रुपए हम पुराने टाइम की बात कर रहे हैं और ये बहुत ज्यादा अमाउंट है आप अपने आप को रिच महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है आप पांच सौ में बहुत सी चीजें खरीद सकते हैं अब जब आप सवेरे उठे आपको पता लगा हर चीज के प्राइस डबल हो गए हैं इकोनॉमी में हर चीज़ के प्राइस डबल हो गए हैं तो क्या होगा आप लोगों को आपको लगेगा कि पाँच सौ रुपये में तो मैं बहुत कम चीज़ें खरीद सकता हूँ है ना तो आप अपने आप को क्या फील करेंगे पूरर फील करेंगे पहले के कंपैरिजन अब क्योंकि आप अपने आप को पहले के कंपैरिजन पुरर फील करेंगे तो आपकी कंजम्पशन क्या है डिक्रीज हो जाएगी आप सेविंग पे ज़्यादा ध्यान देंगे कंजम्पशन अपनी पहले के कंपैरिजन कम कर देंगे क्योंकि पहले आपको लग रहा था मेरे पास पाँच सौ रुपये अकाउंट में पड़ा है यानी कि मैं बहुत अमीर हूँ अब क्योंकि इकोनॉमी में प्राइस डबल हो गए हैं तो अब आपको लगेगा कि मैं पहले के कंपेरिजन पुअर हो गया हूँ तो मैं अपनी कंजम्पशन कम कर देता हूँ

तो यहां पे जैसे ही कंजम्पशन कम होगी हमारी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी ये था रियल बैलेंस इफेक्ट अगर वेल्थ इफेक्ट की बात करें हम तो वेल्थ इफेक्ट क्या होता है कि अगर मान लीजिए इकोनॉमी में प्राइस ज्यादा है प्राइस ज्यादा है तो आपको ट्रांजेक्शन करने के लिए चीजें खरीदने के लिए ज्यादा मनी की जरूरत पड़ेगी ट्रांजेक्शन के लिए अब ज्यादा मनी की जरूरत पड़ेगी यानी कि मनी की डिमांड बढ़ जाएगी इकोनॉमी में अब इकॉनॉमी में मनी की डिमांड बढ़ गई है लेकिन सप्लाई तो उतनी ही है तो अगर मनी की डिमांड बढ़ गई है लेकिन सप्लाई उतनी ही है तो क्या हो जाता है इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट इकॉनॉमी में बढ़ जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है क्योंकि आप मनी की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं लेकिन बैंक के पास तो पैसा उतना ही है तो बैंक ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको पैसा देना शुरू कर देगा तो इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट इकॉनॉमी में बढ़ जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से क्या होगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाएंगी इन्वेस्टमेंट कम हो जाएंगी और मैंने आपको बताया कि एग्रीगेट डिमांड कंजुमशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट के इक्वल होता है तो जैसे ही ये इन्वेस्टमेंट कम हुई हमारी एग्रीगेट डिमांड कम हो गई तो ये था वेल्थ इफेक्ट अब तीसरा आता है फॉरेन ट्रेड इफेक्ट और इस फॉरेन ट्रेड इफेक्ट को हम नेट एक्सपोर्ट इफेक्ट भी कहते हैं और एक्सचेंज रेट इफेक्ट भी कहते हैं तो अब तीनों में से कोई भी आपके पास नाम आ जाए आप समझ लीजिएगा कि हम फॉरेन ट्रेड इफेक्ट की बात ही कर रहे हैं अब इसका क्या मतलब है देखिए इकॉनमी में अगर प्राइस इंक्रीज हो गए हैं तो यानी कि हमारी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं इकॉनमी में अब वो महंगी मिल रही हैं हमें अब हमारी इकॉनमी की गुड्स एंड सर्विसेज महंगी हैं तो क्या बाहर वाले लोग हमसे खरीदेंगे नहीं क्योंकि उन्हें वो महंगी पड़ेगी तो यानी कि हमारा एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा कम हो जाएगा वहीं पर अब हमारी इकोनॉमी में चीजें महंगी बन रही हैं महंगी हो गई हैं रेट ज्यादा बढ़ गया है उनका तो हम क्या करेंगे इम्पोर्ट करना शुरू कर देंगे सस्ती चीज़ें तो बेसिकली देखा जाए तो इम्पोर्ट हमारा इंक्रीज हो गया ओके okay, और एक्सपोर्ट हमारा कम हो गया और नेक्स्ट नेट एक्सपोर्ट क्या होता है एक्स माइनस एम यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट यानी कि एक्सपोर्ट कम हो गया और इम्पोर्ट बढ़ गया तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी कम हो जाएगी अब नेट एक्सपोर्ट क्योंकि कम हो गया तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि मैंने आपको बताया एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट के इक्वल एक होती है नेट एक्सपोर्ट कम हो गया तो हमारी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी तो याद रखिएगा रियल बैलेंस इफेक्ट वेल्थ इफेक्ट एंड फॉरेन ट्रेड इफेक्ट की वजह से एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाती है हमारी कम हो जाती है अब ये है हमारे एग्रीगेट डिमांड के कॉम्पोनेंट कंजम्पन इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और ये नेट एक्सपोर्ट अब यहाँ पे देखा जाए ये है हमारे पास वाई एक्सिस पे लिया है हमने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एक्स एक्सिस पे लिया है हमने रियल जी ठीक है ये हमारी इनकम लाइन जो आपके आपने अगर केन्स का मॉडल पढ़ा है तो वहाँ पे जब हमने इफेक्टिव डिमांड की बात करी थी तब भी हमने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व ड्रॉ करी थी जो किसके इक्वल थी कंजम्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट ठीक है ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर रियल जी के इक्वल है यानी कि एग्रीगेट डिमांड हमारी जी के इक्वल है अब मान लीजिए हमारी इकोनॉमी में प्राइस क्या हो गया कम हो गया प्राइस कम होने से क्या होगा कंजम्पशन हमारा बढ़ जाएगा किसकी वजह से रियल बैलेंस इफेक्ट की वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी किसकी वजह से वेल्थ इफेक्ट की वजह से और नेट एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा किसकी वजह से फॉरेन ट्रेड इफेक्ट की वजह से तो यानी कि बेसिकली हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी यानी कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा तो ये कर्व हमारी अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी ये कर्व हमारी अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी यहाँ पे आप एक चीज याद रखिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं चेंज आ रहा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में क्यों चेंज नहीं आ रहा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्राइस पे डिपेंड नहीं करता तो यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टैक्सेशन इन्वेस्टमेंट कौन सी इन्वेस्टमेंट ये इन्वेस्टमेंट नहीं वो इन्वेस्टमेंट जो प्राइस चेंज से फर्क नहीं पड़ता जिस इन्वेस्टमेंट पे वो इन्वेस्टमेंट जो ऑटोनोमस ऑफ प्राइस चेंज है यानी कि प्राइस आप कितना भी चेंज कर लीजिए वो इन्वेस्टमेंट उतनी की उतनी ही रहेगी अगर हम इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं तो वो प्राइस की वजह से नहीं बढ़ा रहे हैं ठीक है वो इन्वेस्टमेंट प्राइस पर डिपेंड नहीं करती उस इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे और मनी सप्लाई ये सब चीज़ें हम क्या मान रहे हैं कॉन्स्टेंट मान रहे हैं क्योंकि प्राइस के चेंज होने से इन चीजों पर फर्क नहीं पड़ रहा अब ये चीज़ें कॉन्स्टेंट मानी है और प्राइस हमारा क्या हो गया है प्राइस कम हो गया है प्राइस कम होने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से हमारी ये कर्व क्या हो गई अपवर्ड शिफ्ट हो गई अब अपवर्ड शिफ्ट हो गई तो यानी कि ये आ गया हमारा इक्बिरियम पॉइंट और ये आ गई हमारी कर्व ये कर्व कौन सी है लोअर प्राइस लेवल पर जब हमारा प्राइस लेवल लो हुआ है वहीं पर अगर हमारा प्राइस बढ़ जाता प्राइस के बढ़ने से क्या होता कंजम्पशन कम हो जाती इन्वेस्टमेंट कम हो जाती और नेट एक्सपोर्ट कम हो जाता किस वजह से हो जाता वो मैंने आपको बता दिया रियल बैलेंस इफेक्ट की वजह से वेल्थ इफेक्ट की वजह से और फॉरेन ट्रेड इफेक्ट की वजह से तो हमारी ये कर्व क्या हो जाती है डाउनवर्ड हो जाती ठीक है तो इक्लिबीरियम पॉइंट ये आ जाता है और ये आ जाती है हमारी रियल जीडीपी तो ये आ गई हाइयर प्राइस लेवल पे हमारी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर अब अगर हमने चेक करना हो कि कैसे कैसे प्राइस लेवल के चेंज होने से एग्रीगेट डिमांड हमारी चेंज हुई मतलब कि अगर हमने एक डायग्राम बनाना है प्राइस लेवल और रियल जीडीपी के बीच या फिर कह लीजिए प्राइस लेवल और एग्रीगेट डिमांड के बीच तो हम कैसे बनाएंगे हम इससे ही वो एग्रीगेट डिमांड कर ड्रॉ कर सकते हैं इसी डायग्राम से कैसे ये हमारे पास एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर ठीक है ये है पॉइंट पॉइंट ये हमारी रियल इस पे अब मान लीजिए इकोनॉमी में प्राइस लेवल है पी जीरो ये रियल जी है हमारी वाई जीरो इसी को अगर हम नीचे ड्रॉ करें तो ये आगे हमारी वाई जीरो रियल जीडीपी यानी इस रियल जीडीपी पे ये हमारा प्राइस लेवल है अब क्या हुआ प्राइस लेवल हमारा कम हो गया यानी कि P1 हो गया प्राइस लेवल क्योंकि कम हुआ है ये कर्व हमारी अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी क्योंकि हमारा कंजम्पन बढ़ गया इन्वेस्टमेंट बढ़ गया और नेट एक्सपोर्ट बढ़ गया तो ये कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो गई अब अपवर्ड शिफ्ट होने पे न्यू इक्लिवीबिरियम पॉइंट कौन सा आया ये आया लोअर प्राइस लेवल पे अपवर्ड शिफ्ट हुई और ये न्यू इक्लिबियम पॉइंट यानी कि हमारे रियल जी बढ़ गई प्राइस के कम होने पे और ये अगर हम नीचे ड्रॉ करें तो ये आ गई हमारी रियल जीडीपी नई वाई वन तो इस प्राइस पे हमारी रियल जीडीपी क्या आ गई ये आ गई और ये आ गया हमारा ईवन इक्लिबीरियम पॉइंट जो हमने यहाँ पे भी देखा अब क्या हुआ इकॉनॉमी में प्राइस बढ़ गया और प्राइस बढ़ के हो गया P2 अब P2 प्राइस हो गया तो यानी कि इकोनॉमी में हमारी कंजम्पशन कम होगी इन्वेस्टमेंट कम होगी और नेट एक्सपोर्ट कम हो गया यानी कि ये कर्व डाउनवर्ड हो गई तो यानी कि ये जो कर्व है वो हमारी क्या है हाइयर प्राइस लेवल पे है और यहाँ पे रियल जी क्या आ गई ये आ गई तो इसे ही हम नीचे ड्रॉ करें तो हमारे पास पी टू प्राइस पे रियल जी क्या आ गई ये आ गई तो इन तीनों इक्लवीर पॉइंट को हम मिलाएं तो ये आ जाती है हमारी एग्रीगेट डिमांड कर विद प्राइस लेवल तो प्राइस लेवल जब हमने वाई एक्सिस पे लिया हो और रियल जी डी एक्स एक्सिस पे लिया हो तो ये आती है हमारी एग्रीगेट डिमांड कर जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है तो अब हमें पता लग गया कि हमारी एग्रीगेट डिमांड कर डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगा हमारी डिमांड कम हो जाएगी जैसे ही प्राइस डिक्रीज होगा हमारी डिमांड बढ़ जाएगी या फिर कह लीजिए रियल जीडीपी बढ़ जाएगी या फिर कह लीजिए एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा ओके ये तो था हमारी एग्रीगेट डिमांड कर हमने ड्रॉ कैसे करी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर ओके अब हम चेक करना चाहते हैं कि एग्रीगेट डिमांड को शिफ्ट कैसे होती है देखिए ये चीजें हमने मानी थी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टैक्सेशन इन्वेस्टमेंट एंड मनी सप्लाई ये कौन सी इन्वेस्टमेंट थी जो प्राइस पे डिपेंड नहीं करती है ना तो ये सब चीजें कॉन्स्टेंट थी अब मान लीजिए ये चीज़, इन चीज़ों में कोई चेंज आ गया मान लीजिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर बढ़ रहा है गवर्नमेंट खर्चा कर रही है तो यानी कि हमारी इकॉनमी में रियल जीडीपी इंक्रीज हो रही है और क्या हो रहा है मल्टीप्लायर इफेक्ट से हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है तो क्या हो जाएगा इकॉनमी में डिमांड बढ़ जाएगी प्राइस में कोई चेंज आया नहीं प्राइस मान लीजिए पीवन है प्राइस पीवन ही है लेकिन हमारी डिमांड बढ़ गई तो क्या होगा हमारी एग्रीगेट डिमांड का शिफ्ट हो जाएगी राइट वर्ड क्योंकि सेम प्राइस पे हमें क्या करना पड़ रहा है ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है हमारी जीडीपी इंक्रीज हो गई प्राइस सेम टू सेम है पर रियल जीडीपी इस प्राइस पे क्या होगी अब इतनी हो गई तो हमारी यानी कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि हमारी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से मल्टीप्लायर इफेक्ट के द्वारा इनकम बढ़ गई तो हमारी डिमांड बढ़ गई और हमारी रियल जी बढ़ गई तो सेम प्राइस अगर पी वन प्राइस था तो हमारी जीडीपी डी वाई वन से क्या हो गई वाई वन डैस होगी वहीं पे अगर पी टू प्राइस था तो हमारी जीडीपी कितनी होगी मतलब डैश तो अगर कोई भी चीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट एंड मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो हमारी एग्रीगेट डिमांड कर राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी वहीं पर अगर ये चीजें डिक्रीज होगी तो हमारी एग्रीगेट डिमांड कर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी ये हो गया शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड कर अब क्वेश्चन आता है क्या कंजम्पशन के चेंज होने से इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से नेट एक्सपोर्ट के चेंज होने से भी एग्रीगेट डिमांड कर शिफ्ट हो सकती है देखिए अगर कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट या फिर नेट एक्सपोर्ट में जो चेंज आ रहा है वो प्राइस की वजह से नहीं है किसी और रीजन से है तो ये हमारी एग्रीगेट डिमांड कर शिफ्ट होगी हमारी अगर हमारी कंजम्पशन बढ़ रही है इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है या नेट एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और इनके बढ़ने का कारण प्राइस नहीं है तो ये हमारी एग्रीगेट डिमांड कर्व राइट वर शिफ्ट हो जाएगी वहीं पर अगर ये चीजें घट रही हैं तो हमारी एग्रीगेट डिमांड कर लेफ्ट वर शिफ्ट हो जाएगी ठीक है तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा एग्रीगेट डिमांड कर्व के बारे में सब कुछ हमने सबसे पहले बात करी एग्रीकेट डिमांड करो क्या होती है दूसरे हमने बात करी इसकी डेफिनेशन की तीसरा हमने बात करी इसके कंपोनेंट की यानी कि कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट फिर हमने ड्राइव किया एग्रीगेट डिमांड कर को हम कैसे एग्रीकेट अग्रीके एक्सपेंडिचर अग्रीके कर उसे ड्राइव कर सकते हैं फिर हमने देखा एग्रीगेट डिमांड कर शिफ्ट किस वजह से होती है अब एक बार हम इसकी क्विक रिवीजन ले लेते हैं देखिए ये थी एग्रीगेट डिमांड कर की डेफिनेशन यानी कि इकोनॉमी में जितनी भी फीनेट गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी जो डिमांड होगी या फिर उनकी डिजायर टू तो डिमांड होगी उसे हम क्या कहते हैं एग्रीगेट डिमांड कहते हैं इसके कॉम्पोनेंट क्या होते हैं कंजम्पन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट और इसे ही हम जी के इक्वल कहते हैं लॉन्ग टर्म में और इसे ही हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कहते हैं एग्रीगेट डिमांड हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है ये भी हमने पढ़ लिया उसके बाद हमने पढ़ा कि किस वजह से डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है रियल बैलेंस इफेक्ट की वजह से वेल्थ इफेक्ट की वजह से और फॉरेन ट्रेड इफेक्ट की वजह से जिसे हम नेट एक्सपोर्ट इफेक्ट या फिर एक्सचेंज रेट इफेक्ट भी कहते हैं इसके बाद हमने ड्राइव की थी एग्रीगेट डिमांड कर्व हमारी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कर्व से और यहाँ पे हमने क्या माना था गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टैक्सेशन इन्वेस्टमेंट जो कि ऑटोनोमस और प्राइस चेंज है और मनी सप्लाई इन सबको कांस्टेंट माना था अगर इन सब में किसी में चेंज आ रहा है तो हमारी एग्रीमेंट डिमांड क्या करेगी शिफ्ट करेगी अगर ये चीज़ें बढ़ रही है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है मनी सप्लाई बढ़ रही है तो एग्रीगेट डिमांड कर राइट right वर्ड शिफ्ट करेगी वहीं पे अगर टैक्सेशन बढ़ रहा है तो हमारी एग्रीगेट डिमांड कर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर जाएगी ये सब था एग्रीगेट डिमांड के बारे में अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक बी सेफ कीप लर्निंग जय हिंद धन्यवाद